हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आईटीआई एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। तो साथियों, हमने इससे पहले अपनी 3-4 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। हमने पढ़ा था कि एसी डीसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, विद्युतीय पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, वहाँ तक आपने पढ़ा था और हमने जाना था इस सब के बारे में। हमने जान लिया था कि एसी डीसी करंट क्या होता है। साथ ही उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा नेक्स्ट तार एवं केबल। क्या है तार एवं केबल, तो चलिए जानते हैं आज इस टॉपिक के बारे में कि तार क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, और केबल क्या होती है, केबल किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो चलिए फिर आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हमारा पहला टॉपिक आता है जो है इलेक्ट्रिकल केबल। क्या है इलेक्ट्रिकल केबल, अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल केबल क्या है, ये कैसे बनता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल केबल क्या है। देखिए, दो या दो से अधिक ऐठे हुए इंसुलेटेड तारों को केबल कहते हैं। कैसे तार होने चाहिए, दो या दो से अधिक इंसुलेटेड तार, कैसे तार, इंसुलेटेड तारों को केबल कहते हैं। और वो तार कैसे होने चाहिए, आपस में ऐठे हुए मरोड़े हुए होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखते हैं, जो हमारा है इलेक्ट्रिकल केबल, दो या दो से अधिक ऐठे हुए इंसुलेटेड तारों को केबल कहते हैं। क्या कहेंगे, केबल कहते हैं। इसका यूज़ होता है घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हाई वोल्टेज की सप्लाई के लिए। कैसी वोल्टेज की सप्लाई के लिए, हाई वोल्टेज की सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिकल केबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पूछेगा हमसे, पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल केबल है इसका वोल्टेज कैसा होता है। केबल का वोल्टेज निम्न होता है या उच्च होता है, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल केबल का वोल्टेज उच्च वोल्टेज होता है। ये उच्च वोल्टेज की सप्लाई के लिए यूज़ की जाती है, कहाँ पर, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, ठीक है। आपने समझा यहाँ पर कि दो या दो से अधिक ऐठे हुए इंसुलेटेड तारों को केबल कहते हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हाई वोल्टेज की सप्लाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, देखते हैं क्या टॉपिक आता है। और फिलहाल तो देखिए पहले, जो हमारी केबल है वो क्यों यूज़ की जाती है, केबल का यूज़ क्या है। जैसे कि मान सकते हैं, इससे हमारी जो विद्युत की सप्लाई है, विद्युत की जो हमारी सप्लाई है उधर जाती है, वो केबल से आसानी से चली जाती है बिना किसी रुकावट के, है ना। हमारे घर जो केबल से आती है, लाइटें आती हैं, हमारी विद्युत आती है, धारा आती है, वो बिना किसी रुकावट के आ जाती है, ठीक है। हमने जाना कि केबल क्या होती है, दो या दो से अधिक इंसुलेटेड तारों को जब ऐंठा जाता है, जब मरोड़ा जाता है, उसे क्या कहेंगे, केबल। केबल घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हाई वोल्टेज की सप्लाई के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलिए, अब हमारा आता है इलेक्ट्रिकल केबल, यानी कि जो हमारी केबल है उसकी संरचना कैसी होती है। क्या पूछा कि इलेक्ट्रिकल केबल की संरचना कैसी होती है, इसको सेव करने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए इस पर किस टाइप की कोटिंग की जाती है, केबल पर कितने प्रकार की आवरण यानी कि उसकी कोटिंग की जाती है, इसको किस प्रकार से कवर किया जाता है, चलिए देखते हैं। हम देख रहे हैं सामने हमारे चित्र में, ये क्या है, केबल। क्या है ये, केबल की एक ये स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है। ये हमारा आता है, सबसे पहले आएगा हमारा कंडक्टर। क्या आएगा, हमारा कंडक्टर, जिसे बोलते हैं चालक। फिर उसके ऊपर होता है हमारा इंसुलेटर। क्या होगा, हमारा इंसुलेटर, उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है जिसका नाम होता है मेटेलिक शीट।
क्या नाम होता है मेटेलिक शीट, उसके ऊपर आता है हमारा बेंडिंग, उसके ऊपर आएगा हमारा आर्मेरिंग और फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आएगा हमारा सर्विंग। हम जानेंगे, हमने तो नाम जान लिए कि हमारी जो केबल है वो इन सब से मिलकर बनती है, या इन सब से इसकी हमारे केबल के ऊपर इतनी सारी कोटिंग होती है, ठीक है। हम जानेंगे कि इसकी जो हमारा कंडक्टर है वो इसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो किस टाइप से की जाती है, क्या करी जाती है, जो हमारी कोटिंग है, जो इंसुलेटर है, मेटेलिक शीट है, बैंडिंग है, सर्विंग है, ये सब है जो, वो किस प्रकार से इसकी सहायता करते हैं, किस प्रकार से इसे सुरक्षित बनाते हैं और हमारे यूज़ में ये केबल आती है। चलिए सबसे पहले आता है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, देखिए कह सकते हैं हम चालक केबल का मुख्य अंग होता है। कंडक्टर क्या है, केबल का मुख्य अंग है, यानी कि उसका मेन पार्ट है। इसकी जो संख्या है वो एक या एक से अधिक हो सकती है। कैसी हो सकती है, इसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछ ले कि ये किस प्रकार का वो कितने कोर वाली केबल है, चलिए बताइए कि कितने कोर वाली केबल है, तो अगर इसमें हमारे पास एक हमारा चालक दिख रहा है यानी कि कंडक्टर है हमारे पास, तो एक कोर वाली केबल हो गई। कौन सी केबल हो गई, एक कोर वाली केबल। अगर यहाँ पे दो होते तो कैसी होती, दो कोर केबल, और तीन होते तो तीन कोर केबल होती। यानी कि जो कंडक्टर है, जो चालक है हमारा, इसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है और हमारे केबल का ये मेन पार्ट, मेन अंग होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारा, अब आएगा हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, चलिए जानते हैं। इससे पहले हम जानेंगे, तो जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में एल्यूमिनियम, क्या चीज़, एल्यूमिनियम होता है। कह सकते हैं हम जो हमारी केबल है उसमें एल्यूमिनियम कंडक्टर का काम करता है। कौन करता है कंडक्टर का काम, एल्यूमिनियम कंडक्टर का काम करता है, ठीक है। अब आता है हमारा इंसुलेशन, क्या आएगा हमारा नेक्स्ट, आएगा हमारा इंसुलेशन। तो इंसुलेशन क्या होता है, प्रत्येक चालक या कोर के ऊपर, प्रत्येक चालक या कोर के ऊपर एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर एक मोटी परत चढ़ाई जाती है जिसे इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन जो होता है वो एक कुचालक पदार्थ है। क्या हो जाएगा, इंसुलेशन जो है वो एक कुचालक पदार्थ है। यह चालक को सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, चालक को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर से देखिए, इंसुलेशन यह चालक के ऊपर एक चढ़ाई गई मोटी परत होती है। यह इंसुलेशन जो होता है वो किसके ऊपर होता है, कंडक्टर के ऊपर होता है। इसकी जो कह सकते हैं हम, जो इंसुलेशन है वो एक मोटी परत के रूप में कंडक्टर के ऊपर चढ़ा रहता है, और जो हमारा इंसुलेशन है वो कुचालक का काम करता है, ठीक है। और जो उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है यही क्या कहलाती है, किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वही क्या कहलाती है, इंसुलेशन, क्या कहलाएगी, इंसुलेशन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारे पास मेटेलिक शीट। क्या आता है, मेटेलिक शीट, चलिए देखते हैं मेटेलिक शीट क्या होती है। तो अब जो हमारा मेटेलिक शीट आता है ये क्या होता है, यह इंसुलेटेड चालक को, यह इंसुलेटेड चालक को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए कवर किया जाता है। कह सकते हैं हम कि जो हमारा चालक था, हमारा जो इंसुलेटेड चालक था, उसमें यह किस चीज़ का वर्क करता है, ये इसके ऊपर यांत्रिक सामर्थ्य के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारी मेटेलिक शीट है यह लेड शीट या फिर एल्यूमिनियम शीट की बनी होती है। हमारा जो मेटेलिक शीट है यह एल्यूमिनियम शीट या फिर लेड शीट की बनी होती है। इसका काम क्या होता है, कंडक्टर को
यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, कंडक्टर इंसुलेटेड कंडक्टर को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। और इसका एक और काम होता है जो कि है नमी और गैसों से बचाना। कैसा? नमी और गैसों से कौन बचाता है? मेटैलिक शीट। मेटैलिक शीट किससे मिलकर बनती है? यह मेटैलिक शीट क्या होती है? यह है लेड शीट या फिर एल्यूमिनियम की शीट होती है। ठीक है, अभी हमने जाना कंडक्टर, इंसुलेशन और मेटैलिक शीट। अब आता है हमारे पास फोर्थ, बाइंडिंग। क्या होती है? बाइंडिंग। ठीक है, हमारे कंडक्टर के ऊपर होता है इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर चढ़ाई जाती है मेटैलिक शीट की परत। अब मेटैलिक शीट के ऊपर क्या होगी? बाइंडिंग। क्या होगी? बाइंडिंग। चलिए देखते हैं बाइंडिंग कैसे होती है। तो जो हमारी बाइंडिंग है ये किसके ऊपर की जाती है? यह मेटैलिक शीट के ऊपर की जाती है। मेटैलिक शीट के ऊपर एक अन्य बाइंडिंग, एक अन्य परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो जो ये बाइंडिंग होती है वो किस प्रकार की होती है? एक टेप नुमा या फाइबर युक्त होती है। कैसी होती है ये? एक टेप नुमा या फिर फाइबर युक्त कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका जो काम होता है वो मेटैलिक शीट को जंग लगने से बचाती है। बाइंडिंग का काम क्या होता है? मेटैलिक शीट को जंग लगने से बचाना। ठीक है, अब इसके ऊपर आता है हमारा आर्मेरिंग। क्या आएगा हमारा नेक्स्ट? आर्मेरिंग। चलिए देखते हैं आर्मेरिंग किस प्रकार से हमारी जो केबल है उसको सुरक्षा प्रदान करवाती है। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा आर्मेरिंग है ये क्या होता है? ये गैल्वनाइज्ड स्टील तार की एक परत होती है। किसकी होती है? ये है गैल्वनाइज्ड स्टील तार की एक परत होती है जो हमारी केबल को एक यांत्रिक दुर्घटना से बचाने के लिए काफ़ी होती है। क्या होती है? ये गैल्वनाइज्ड स्टील तार की एक परत होती है। किस चीज़ की परत होगी? गैल्वनाइज स्टील की एक परत होती है जो हमारी केबल है उसको यांत्रिक दुर्घटना से बचाने में मदद करती है। लास्ट आता है हमारा सर्विंग। क्या आएगा हमारा सर्विंग? क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो जो हमारी सर्विंग है यह किसके ऊपर चढ़ाई जाती है? यह आर्मेरिंग के ऊपर एक चढ़ाई गई परत होती है। किस चीज़ की बनी होती है? यह जूट की बनी होती है। किस चीज़ की? यह जूट की बनी होती है। और ये क्या करती है? आर्मेरिंग को वातावरणीय, किस चीज़ का? हमारा जो वातावरण है उससे सुरक्षा प्रदान कराती है। किसको? आर्मेरिंग को सर्विंग एक वातावरण कह सकते हैं, वातावरण से सुरक्षा प्रदान कराती है। ठीक है, फिर से चलिए देखते हैं एक बार हमारा पूरा टॉपिक जो था कि इलेक्ट्रिकल केबल की संरचना कैसे होती है और ये क्या क्या काम करती है। तो पहले आता है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर एक केबल का मुख्य पार्ट होता है, यानी कि एक मेन भाग है। इसके ऊपर क्या चढ़ी होती है? एक इंसुलेशन चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है इसके ऊपर? एक इंसुलेशन की वायर चढ़ी होती है जो कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान करती है। और जो इंसुलेशन है वो एक कुचालक परत होती है। कैसी परत होती है? एक कुचालक परत होती है। और इंसुलेशन के ऊपर मेटैलिक शीट की एक परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? मेटैलिक शीट की परत चढ़ाई जाती है। मेटैलिक शीट के ऊपर एक वाइंडिंग होती है। क्या होती है? मेटैलिक शीट के ऊपर एक वाइंडिंग की जाती है जो मेटैलिक शीट को जंग लगने से बचाती है। किससे बचाती है? जंग लगने से बचाती है। अब वाइंडिंग के ऊपर आर्मेरिंग की परत चढ़ाई जाती है। वाइंडिंग के ऊपर आर्मेरिंग की परत चढ़ाई जाती है और आर्मेरिंग के ऊपर एक सर्विंग की परत होती है, वो जो किस चीज़ की होती है? जूट की। और जो हमारा आर्मेरिंग है वो होता है गैल्वनाइज स्टील का। किस चीज़ की होती है? गैल्वनाइज स्टील का तार होता है, तार की एक परत होती है। क्या होती है? तार की एक परत होती है जो बेंडिंग के ऊपर चढ़ाई जाती है।
और सर्विंग आर्मेरिंग के ऊपर होती है। उसकी परत क्या होती है? जूट की बनी होती है। सर्विंग की परत क्या होती है? जूट की बनी होती है। तो यही थी हमारी केबल की संरचना। तो हमारा जो कंडक्टर है वो क्या, अगर हमारा कंडक्टर कह सकते हैं, अगर एक या एक से अधिक हमारे पास कंडक्टर हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कोर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अगर हमारे पास एक है तो एक कोर केबल, और दो कंडक्टर हमारे पास तो दो कोर केबल कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब आता है हमारे पास केबल का वर्गीकरण। किसका? केबल का वर्गीकरण, कह सकते हैं केबल को किस चीज़ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। केबल को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, केबल को इंसुलेशन के आधार पर बांटा गया है। केबल को इंसुलेशन के आधार पर बांटा गया है, चालक के आधार पर बांटा गया है, आकृति पे भी बांटा गया है, कोर पे बांटा गया है, यांत्रिक पे बांटा गया है, और वोल्टेज और गेज पर भी बांटा गया है। यानी कि केबल को 7 पार्ट में बांटा गया है, और इसके अंदर भी आते हैं हमारे पार्ट। पहला आएगा इंसुलेशन। तो इंसुलेशन को देखिए 4 भागों में बांटा गया है। इंसुलेशन को 4 भागों में बांटा गया है। इंसुलेशन क्या है कि केबल पर इंसुलेटेड परत जो चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? इंसुलेशन कहते हैं। केबल पर चढ़ाई गई इंसुलेटेड परत को इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन के 4 पार्ट होते हैं। पहला है कॉटन कवर केबल। कॉटन कवर केबल, तो कॉटन कवर केबल में क्या होता है? वह केबल जिस पर कॉटन की परत चढ़ाई जाती है, ऐसी केबल जिस पर कॉटन की परत चढ़ाई जाती है उसे कॉटन कवर केबल कहा जाता है। ऐसी केबल जिस पर कॉटन की परत चढ़ाई जाती है उसे कॉटन कवर केबल कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी सिल्क कवर केबल। क्या है ये हमारी सिल्क कवर केबल? इस पे क्या होता है? जिस पर, यानी कि जिस केबल पर सिल्क की परत होती है, किसकी जगह? कॉटन की जगह सिल्क की परत होती है, उसे सिल्क कवर केबल कहा जाता है। और ये जो केबल होती है किस चीज़ से बचाव करती है? यह नमी से बचाव करती है। ये जो कोटिंग होती है केबल के ऊपर, यह नमी से बचाव करने के लिए की जाती है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी रबर कवर केबल। क्या है ये हमारी रबर कवर केबल? इसका प्रयोग, इसका क्या होता है? जिस पर, यानी कि जिस केबल पर रबर की परत चढ़ी होती है, जिस केबल पर रबर की परत चढ़ाई जाती है, ऐसी केबल रबर कवर्ड केबल कहलाई जाती है। इसका उपयोग क्या होता है? यह वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। जो हमारी रबर केबल होती है यह वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। फोर्थ आती है हमारी पीवीसी कवर्ड केबल। पीवीसी मतलब, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो ये बताइए। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। तो देखिए, जो हमारी पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या कहेंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी जो परत होती है वो केबल पे चढ़ाई जाती है। ऐसी केबल जिस पर पीवीसी की परत हो वो पीवीसी कवर्ड केबल कहलाती है। और इन केबलों का उपयोग कम दूरी की सप्लाई के लिए किया जाता है। इन केबलों का प्रयोग कम दूरी की सप्लाई के लिए किया जाता है। फिर से देखते हैं, इंसुलेशन में 4 पार्ट थे हमारे, कॉटन, सिल्क, रबर और पीवीसी। कॉटन का क्या था? वह केबल जिस पर कॉटन की परत चढ़ाई जाती है, ऐसी केबल कॉटन वाली केबल कहलाती है। दूसरे पे आता है हमारा सिल्क कवर केबल। तो ऐसी केबल जिस पर सिल्क की परत चढ़ाई जाती है वो सिल्क कवर केबल कहलाती है। इनका उपयोग नमी से बचाव के लिए किया जाता है। तीसरे पे आती है हमारी रबर केबल। इस जिस पर रबर केबल या फिर रबर की परत चढ़ाई जाती है वो रबर केबल कहलाती है। इसका उपयोग जो होता है वातावरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। और पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिस पर पीवीसी की परत होती है, यानी कि ऐसी केबल
जिस पर पीवीसी की परत चढ़ाई जाती है वो पीवीसी कवर्ड केबल कहलाती हैं, और इनका उपयोग कम दूरी की सप्लाई के लिए किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो आता है चालक। तो देखिए, जो हमारा चालक है उसके आधार पर जो हमारी केबल हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉपर केबल। पहला कौन सा है हमारा? कॉपर केबल। देखते हैं कॉपर केबल क्या है। वे केबल जिसमें चालक पदार्थ के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं ऐसी केबल जिसमें चालक के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ऐसी केबल जिसमें चालक के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है वो कॉपर केबल कहलाती हैं। चालक की चालकता उच्च होती है। कह सकते हैं कॉपर की चालकता। किसकी चालकता? कॉपर की, ठीक है। कॉपर की चालकता उच्च होती है, लेकिन इसकी कीमत अन्य केबलों से अधिक होती है। फिर से देखिए, वे केबल जिसमें चालक पदार्थ के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ऐसी केबल जिसमें चालक के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है कॉपर केबल कहलाती हैं। कॉपर की चालकता उच्च होती है परंतु इसकी कीमत दूसरी केबलों के मुकाबले अधिक होती है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम केबल। कौन सी केबल? एल्यूमिनियम केबल। तो चलिए देखते हैं कि एल्यूमिनियम केबल का यूज़ क्या है और इसका चालक के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया। तो देखिए, वे एल्यूमिनियम जिसमें चालक पदार्थ वे केबल जिसमें चालक पदार्थ के रूप में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं ऐसी केबल जिसमें कॉपर की जगह एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऐसी केबल जिसमें चालक के रूप में कॉपर की जगह एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ऐसी केबल एल्यूमिनियम केबल कहलाती है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम की चालकता उच्च होती है, यानी कि एल्यूमिनियम की जो चालकता है वो अधिक तो होती है पर कॉपर से कम होती है। कैसी होती है? कॉपर से कम। हमने जाना था कि जो हमारी कॉपर केबल थी वे केबल जिसमें चालक के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऐसे केबल जिसमें चालक के रूप में कॉपर का प्रयोग किया जाता है वो कॉपर केबल कहलाती है। लेकिन ऐसी केबल जिसमें एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, वो एल्यूमिनियम केबल कहलाती हैं। अब देखिए, कॉपर की चालकता अधिक होती है, ठीक, जबकि एल्यूमिनियम की चालकता अधिक होती है पर कॉपर की चालकता से कम। यानी कि कॉपर वाली जो हमारी वायर्स हैं, कॉपर केबल हैं जो हमारी, उससे कम होती है। ठीक है, हमने पढ़ा इंसुलेशन और अभी चालक। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है आकृति। हम जानेंगे कि जो हमारी केबल है उसका शेप किस टाइप का होता है, उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, लंबी मोटी छोटी पतली कैसी होती है। ठीक है, हम ये जानेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी कि आकृति पर। जो केबल है उसको आकृति के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है गोल केबल और दूसरी हमारी चपटी यानी कि फ्लैट केबल। क्या कहेंगे? चपटी या फिर फ्लैट केबल। तो जो हमारी गोल केबल है उसे जानते हैं वे केबल जिनकी आकृति गोलाकार होती है, यानी कि वे केबल जिनका शेप गोल या फिर राउंड होता है उसको
गोल केबिल कहा जाता है। कौन सी केबिल कहते हैं? गोल केबिल कहा जाता है। इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइनों में किया जाता है। गोल केबिल का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइनों में किया जाता है। सेकंड आता है हमारा चपटी यानी कि फ्लैट केबिल। यह केबिल या फिर कह सकते हैं वे केबिल जिनकी आकृति चपटी या फिर फ्लैट होती है। ऐसी केबिल जिनकी आकृति चपटी या फिर फ्लैट होती है चपटी केबिल कहलाती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है क्योंकि भैया हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं ना। हम कौन हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो हम किस कौन से केबिल का प्रयोग करेंगे? चपटी केबिल का प्रयोग करेंगे। कौन से केबिल का? चपटी केबिल का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी केबलों का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी केबल का प्रयोग किया जाता है तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स में चपटी या फिर फ्लैट केबलों का प्रयोग किया जाता है जबकि जो गोल केबल होती हैं उनका प्रयोग ट्रांसमिशन लाइनों में किया जाता है। कौन सी लाइनों में? ट्रांसमिशन लाइनों में किया जाता है। अब आता है हमारे पास कोर। क्या आएगा हमारे पास? कोर। अब देखते हैं कोर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पर केबल को कोर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है दो कोर केबल। पहला क्या है? दो कोर केबल। चलिए देखते हैं दो कोर केबल क्या है। वे केबल जिसमें चालक तारों की संख्या दो होती है। ऐसी केबल जिसमें चालक तारों की संख्या दो होती है दो कोर केबल कहलाता है। क्या कहलाता है? दो कोर केबल कहलाता है। यह निम्न वोल्टेज पर प्रयुक्त की जाती है। दो कोर केबल निम्न वोल्टेज पर प्रयुक्त की जाती है। फिर से देखिए कि मान लेते हैं, माना चलिए हमने क्या बनाई, यहाँ पे हमने केबल बना दी। क्या बना दी? हमने केबल बना दी। इसमें क्या है? वे केबल जिसमें चालक तारों की संख्या दो हो। वे केबल जिसमें चालक तारों की संख्या कितनी हो? दो हो। यहाँ पे हमें दो दिख रही है ना, तारों की संख्या कितनी है? दो है। और ये क्या, हमने इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। तार इसके अंदर है ना दो, उसके ऊपर से क्या कवर चढ़ा दिया हमने, इंसुलेटेड इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया है, इसको फिक्स कर दिया हमने केबल बनाने के लिए। और ये तो हमारे जो तार हैं हमारे, ये कौन है? चालक हैं। कौन है हमारे? चालक हैं। तो इसमें यही तो कहा है कि वे चालक पदार्थ जिसमें तारों की संख्या दो हो, जिसमें तारों की संख्या दो हो तो वो केबल दो कोर केबल कहलाती है। क्या कहलाएगी? दो कोर केबल कहलाती है। यह निम्न वोल्टेज पर प्रयुक्त की जाती है। दो कोर केबल निम्न वोल्टेज पर प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझो हमने। अब आएगा हमारे पास तीन कोर केबल। क्या आएगा? तीन कोर केबल। तो देखिए ये है तीन कोर केबल। क्या है? तीन कोर केबल। तो वे केबल जिसमें चालक तारों की संख्या तीन होती है। क्या होती है? तीन होती है। वे चालक पदार्थ जिनमें तारों की संख्या दो की जगह तीन होती है वो तीन कोर केबल कहलाती है। क्या कहलाएगी? तीन कोर केबल कहलाती है। यह उच्च वोल्टेज पर प्रयुक्त की जाती है। तीन कोर केबल उच्च वोल्टेज पर प्रयुक्त की जाती है। जैसा कि हम डायग्राम में इस चित्र में देख रहे हैं कि वे चालक पदार्थ जिसमें तारों की संख्या तीन होती है। पहले यहाँ पर कितनी थी? दो थी ना, अब कितनी हो गई? तीन हो गई। कितनी हो गई? तीन हो गई। तो वे चालक पदार्थ जिसमें तारों की संख्या तीन होती है वो तीन कोर केबल कहलाती है। क्या कहलाएगी? तीन कोर केबल कहलाएगी। और जो हमारी दो कोर केबल थी वो निम्न वोल्टेज पर प्रयुक्त की जाती थी जबकि हमारी तीन कोर केबल हाई वोल्टेज पर यानी कि उच्च वोल्टेज पर प्रयुक्त की जाती है। तो हमने जाना इंसुलेशन, चालक, आकृति और कोर। हमने जाना इंसुलेशन, चालक, आकृति और कोर।
अब देखते हैं हमारा वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज कैसा होना चाहिए, कि केबल को वोल्टेज के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया, यानी कितने भागों में बांटा गया। अब वोल्टेज के आधार पर केबल को दो भागों में बांटा गया है। वोल्टेज के आधार पर केबल को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा निम्न वोल्टेज केबल। पहली कौन सी है हमारी? निम्न वोल्टेज केबल। तो इसमें क्या होता है? वे केबल जिसका प्रयोग निम्न वोल्टेज पर किया जाता है। ऐसी केबल जिसका प्रयोग निम्न वोल्टेज पर किया जाता है निम्न वोल्टेज केबल कहलाती हैं। इसका प्रयोग अधिक वोल्टेज देने पर खराब हो जाती है, या फिर कह सकते हैं इस केबल को अधिक वोल्टेज देने पर यह केबल खराब हो जाती है। तो इसका उपयोग 1000 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। फिर से देखिए कि वे केबल जिसका प्रयोग निम्न वोल्टेज पर किया जाता है, ऐसी केबल निम्न वोल्टेज केबल कहलाती हैं। इसको अधिक वोल्टेज देने पर यह केबल खराब हो जाती है। किसको अधिक वोल्टेज देने पर? निम्न वोल्टेज केबल को अधिक वोल्टेज देने पर यह केबल खराब हो जाती है। इसका उपयोग 1000 वोल्ट तक किया जाता है। इसकी जो शक्ति है वह 1000 वोल्ट तक ही की जा सकती है। ठीक है, अब आता है हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न वोल्टेज को कितने वोल्ट तक उपयोग में लिया जा सकता है। निम्न वोल्टेज को कितने वोल्ट तक उपयोग में लिया जा सकता है? तो हम क्या कहेंगे? 1000 वोल्ट तक लिया जा सकता है। और इसमें अगर अधिक वोल्टेज दी जाती है तो यह केबल खराब हो जाती है। यह केबल कैसी हो जाएगी? खराब हो जाती है। अब आएगा हमारे पास, नेक्स्ट आता है उच्च वोल्टेज केबल। क्या आएगी हमारे पास? पहले तो होगी हमारी निम्न वोल्टेज केबल, अब आएगी हमारी उच्च वोल्टेज केबल। चलिए देखते हैं कि उच्च वोल्टेज केबल क्या होती है और इसको उपयोग कितने वोल्ट तक किया जा सकता है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। वे केबल जिसका प्रयोग उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है, या फिर ऐसी केबल जिसका प्रयोग उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है, उच्च वोल्टेज केबल कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? उच्च वोल्टेज केबल कहलाती है ऐसी केबल जिसका प्रयोग हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग है या फिर इसका प्रयोग है जो 1000 वोल्ट से अधिक किया जाता है, ऐसी केबल जिनका प्रयोग 1000 वोल्ट से अधिक तक किया जाता है, वो कौन से केबल होती हैं? उच्च वोल्टेज केबल। यानी कि जो हमारी निम्न वोल्टेज केबल थी वो 1000 वोल्ट से कम पर कार्य कर रही थी, या फिर 1000 वोल्ट तक कार्य कर रही थी, परंतु जो हमारी उच्च वोल्टेज केबल है वो 1000 वोल्ट से अधिक उपयोग में या फिर अधिक कार्य में ली जाती है। हमने जाना इंसुलेशन के बारे में, चालक के बारे में, आकृति, कोर और वोल्टेज के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि उच्च वोल्टेज केबल कितने वोल्टेज से अधिक पर कार्य करती है। क्या बोला मैंने कि उच्च वोल्टेज केबल कितने वोल्टेज से अधिक कार्य करती है? तो यहाँ पर आएगा हमारा 1000 वोल्ट से अधिक। क्या आएगा? 1000 वोल्ट से अधिक। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, जो है गेज। क्या है हमारा? गेज। चलिए जानते हैं गेज के बारे में कि गेज क्या होता है और इसका उपयोग केबल में किस प्रकार से किया जाता है। गेज का प्रयोग क्या होता है, फिर गेज का केबल से क्या कनेक्शन है? देखिए, इसका प्रयोग अलग अलग या फिर विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के केबलों के चालक पदार्थों की मोटाई जांचने के लिए किया जाता है। कह सकते हैं कि जो हमारी केबल है उसमें जो चालक हैं, उसके तार हैं,
उसको कि उसकी मोटाई कितनी है, कि उसकी मोटाई कितनी है वो किससे जानेंगे हम? गेज से। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि गेज क्या होता, गेज का मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, हमने आपको उसमें बताया था। उसमें जो गोल गोल होता है ना, वो गेज स्टैंडर्ड वाइज जिसे कहते हैं, वो उसमें खांचे टाइप के बने होते हैं, उस पूरे राउंड सर्कल में ऊपर से खांचे बने होते हैं, मोटे से पतले खांचों के रूप में होता है। और उन खांचों में हम क्या करते हैं, अपने इंसुलेटेड हटे तारों को डालते हैं। क्या करते हैं, इंसुलेटेड हटे तारों को डालते हैं, और जिस खांचे में वो तार फिट हो जाता है, फिर उसको उस पे नंबर लिखे होते हैं, हर खांचे पे नंबर लिखे होते हैं, फिर जितने नंबर वो फिट हो जाता है जिस खांचे में, उसको नोट कर लिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें लिख दिया जाता है कि इतने गेज का ये वायर है, इतने गेज का ये तार है। ठीक है, तो फिर चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हमने जाना केबल के बारे में अभी, कि केबल को किन किन पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला था हमारा इंसुलेशन के आधार पर, दूसरा था हमारा चालक के आधार पर, तीसरा आकृति, कोर, वोल्टेज और गेज के आधार पर हमने जाना कि केबल को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमने जाना कि केबल क्या होती है। ठीक है, हमने केबल की संरचना पढ़ी कि केबल के ऊपर कितने इंसुलेशन किए जाते हैं, केबल के ऊपर कितनी परत चढ़ाई जाती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो फिर अगर पसंद आई है तो आज की वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।